फिर से स्वागत है आपका हमारा चैनल वारवी ब्लॉक में। आज हम आप लोग को ले जाने वाले हैं विश्व शांति स्तूप जो वैशाली में उपस्थित है। ये जैसे देख सकते हैं ये लोग बाहर का होटल है। चलिए आप लोग को ले चलते हैं हम लोग। ये बाहर का लुक है जो होटल है। चलिए आप लोग को ले चलते हैं आगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं। चलिए आप लोग को ले चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गेट के तरफ। चलिए और आगे ले चलते हैं आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे देख सकते हैं जापानी बुद्ध मंदिर है। चलिए ले चलते हैं आप लोग को जो वैशाली में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अंदर। ये अंदर का लुक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरह से आप लोग को दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे आइए घूमिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए और आप लोग को दिखाते हैं हम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये गेट है। चलिए आप लोग को थोड़ा बाहर का लुक दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाहर का पूरा लुक है। बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत ही शांति जगह है। चलिए और आप लोग को अंदर ले चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा हरा पेड़ है यहाँ पे। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विश्व शांति स्तूप यहाँ से हम लोग को लोक रहा है। चलिए और आगे चलते हैं दिखाने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसका लुक। बहुत ही अच्छा जगह भी है यहाँ पे घूमने के लिए। चलिए और आगे ले चलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारा लोग यहाँ पे घूमने के लिए आया है लोग। विश्व शांति स्तूप का ये मेन गेट है। चलिए और आगे ले चलते हैं आप लोग को। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही अच्छा लुक है। चलिए और ले चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साइड में बहुत ही सारा हरा पेड़ है। चलिए और आप लोग को दिखाते हैं इसका पूरा लुक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका लुक है। आइए यहाँ पे घूमिए और फैमिली को भी लाइए यहाँ पे घुमाने के लिए। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा तालाब है जिसमें कमल का फूल है। चलिए और आगे तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रोड पे से भी दिखाई दे रहा है विश्व शांति स्तूप जो वैशाली में स्थापित।
है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है जगह है घूमने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही साइड साइड में हरा पेड़ लगा हुआ है। अगर आप लोग कहीं पे बैठ कर खाना वाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पे होटल भी है, बहुत ही बड़ा तालाब है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए और थोड़ा पास ले जाकर दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे बोट भी है लेकिन कुछ दिनों से बंद है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जगह है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कमल का फुलाया हुआ है। चलिए और आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साइड का इसका पूरा लुक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी आइए घूमने के लिए। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।